अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपके साथ एक अपडेट शेयर करते चलें जो कि पाकिस्तान की डिफेंस हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील होने जा रही है। पाकिस्तान इराक को अपने JF-17 जेट्स बेचने जा रहा है और यह डील एक लैंडमार्क $1 बिलियन डिफेंस डील है। इस डील का सब कुछ फाइनल हो चुका है और बस डील पर साइन होना बाकी है। ये $1.1 बिलियन की डील है। डील के तहत पाकिस्तान इराक को 12 नए JF-17 Block 3 तैयारे देगा और इन तैयारों की डिलीवरी के बाद फ्यूचर में इजाफी 6 जेट्स मजीद इराक को दिए जाएंगे। याद रहे, इस डील को लेकर काफी नेगोशिएशन जारी रही थी। एक और अहम बात यह है कि अगर इराक इस डील पर साइन कर देता है तो JF-17 Block 3 ने राफेल तैयारे को बीट करके ये डील हासिल की होगी, क्योंकि इराक काफी अरसे से राफेल तैयारे खरीदने का भी सोच रहा था और यही वजह होगी कि ये नेगोशिएशन काफी लंबी चली। इराक फ्रांस से 14 राफेल तैयारे खरीदने का इरादा रखता है। ताहम JF-17 थंडर Block 3 की बात की जाए कि इराक खास तौर पर किस मकसद के लिए इसे इस्तेमाल करेगा, तो इराक इस तैयारे को ड्रोन के खिलाफ इस्तेमाल करने का इरादा रखता है, क्योंकि इस तैयारे में PL-15 मिसाइल है जो कि एक्टिव रेडार गाइडेड एयर टू एयर लॉन्ग रेंज मिसाइल है और पाकिस्तान माजी में इराक को APS तलहा भी बेच चुका है। आपको एक और खबर बताते चलें कि पाकिस्तान की नेशनल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पार्क एक क्यूबसेट प्रोग्राम पर काम कर रहा है। ये प्रोग्राम छोटी सैटेलाइट डेवलप करने और लॉन्च करने पर मबनी है, जिसे स्पेस बेस्ड सर्वेलियंस और कम्युनिकेशन में सेल्फ डिपेंडेंसी स्टेब्लिश होगी। ऐसे कई क्यूब सेट्स बनाए जाएंगे जिसका मकसद पाकिस्तान की स्पेस से कम्युनिकेशन और मॉनिटरिंग को बढ़ाया जाए। ये क्यूब सेट मिलिट्री और सिविल दोनों के लिए होगा। शुक्रिया।